मैं वो चीज़ हूँ डॉक्टर आशुतोष जो बिना मांगे मिल जाते हैं। हाय, आई एम लुबना। मैंने तो आपके लिए अपने बगल का कमरा भी बुक कर रखा है ताकि जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो मैं हाजिर रह सकूँ। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, उससे पहले कॉन्फ्रेंस हॉल चलते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ना। क्या आप हम दोनों की फोटो खींच सकते हैं? जी जरूर। मुझे इन सारी पिक्चर्स की कॉपी चाहिए अभी। सारी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर आशुतोष मुझे घास तक नहीं डालता। लुबना, तू मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम हार गए तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। दक्ष, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने सामने से किसी को दावत दी हूँ और उसने मुझे ठुकरा दिया। मैंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, लेकिन वो नहीं पिघला तो नहीं पिघला। इनफैक्ट मेरे सामने अपनी बीवी से बात कर रहा था। लोग तो मेरे सामने कबूल तक नहीं करते कि वो शादीशुदा है। लगता है उसकी बीवी उसे कुछ ज्यादा ही मिस कर रही थी। इसका मतलब कुछ और करना होगा। क्या? मैं अपने कमरे का रास्ता भूल गई हूँ, आप जरा बता दें। आई एम सॉरी मैम, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। प्लान कामयाब रहा दक्ष, जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ। गुड, लेकिन अब तुम होशियार रहना, पुलिस पूछताछ करेगी। अपने बयान पर अड़ी रहेंगे क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर कानून औरत के साथ ही होता है। बाकी अगर मामला अदालत तक पहुंचता भी है तो मैं हूं तुम्हारी। थैंक यू दक्ष। यू वेलकम।